एनआईए पर सवाल उठ रहा है संबित पात्रा, पहली बात है, इसीलिए तो पूछ रहे हैं। एनआईए पर सवाल उठ रहा है, इस देश के लोग किस एजेंसी पर भरोसा करें, किस पर भरोसा करें अगर राजनीतिक पार्टियां इस हद तक नीचे जा रही हैं तो। नहीं, आप देखिए, जहां तक एजेंसीज का सवाल है, मैं बार बार इशरत जहान के केस को भी इससे कंपेयर कर रहा हूं। आपको याद होगा, अपने राजनीतिक लक्ष्यों को साधने के लिए कांग्रेस पार्टी ने सीबीआई और आईबी में जिस प्रकार का लड़ाई कराया, ये हम सबके सामने खुल के आया। और अभी आलोक जी का कहना है कि वो सारे अधिकारी कहाँ हैं। अभी चंद दिनों पहले हमने इशरत जहान केस में एक एक करके सभी अधिकारियों को सामने आकर सत्य को रखते हुए देखा। तब ये पूछ रहे थे अधिकारी क्यों निकल के आ गए, जब निकल कर आते हैं तो उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया और दोषी क्यों बोलने लगे, केवल वो लोग रिटायरमेंट के बाद आकर अपना बयान रख रहे हैं। अरे रुकिए, अरे चिंता मत करिए मैडम, भी अरेस्ट होगी, चिंता मत करिए, अरेस्ट होने की जल्दी मत रखिए मैडम, भी अरेस्ट होगी, कोई बचा नहीं पाएगा, वो भी चक्की पीसेंगी आप फिर वापस गलत जगह पर पहुंच जाएंगे। आप अरेस्ट होंगे, आप लोग कभी भी मुद्दे पर नहीं रहना चाहते। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, अरे आप मुद्दे पर रहते हैं, भगवा आतंकवाद के लिए आप जैसा प्रवक्ता माफी नहीं मांग पा रहा है, आप जैसा प्रवक्ता हिंदुओं को यहाँ बैठ के गाली दे रहा है और दूसरों को बोलने नहीं दे रहे हैं, आप हाथ जोड़ के माफी मांगिए, आप हिंदुओं को दंगों के लिए आप माफी नहीं मांग सकते। अरे राहुल गांधी ने कहा था, यूएस के एम्बेसडर को राहुल गांधी ने कहा था कि हिंदू आतंकवाद से ज्यादा खतरा है सिमी से और एलआईटी से, खतरा नहीं है, ये राहुल गांधी ने कहा था। आइए आप लोग, अरे फिर राहुल गांधी हटा के बाहर कर दीजिए उसको, अगर राहुल गांधी का नाम नहीं लेना है उसको हटा के बाहर कर दीजिए पार्टी से, क्यों रखा हुआ है वैसे आदमी को पार्टी में, ऐसे आदमी को पार्टी में क्यों रखा हुआ है, और प्रवक्ता डिफेंड नहीं कर सकते हैं। अरे भाई मुझे बताइए ना कि क्यों आरडीएक्स रखने वालों को नहीं करना, आपने दो साल से छुपे गृह मंत्री को राहुल गांधी को तो रखा क्यों हुआ है, हटा दीजिए ना उन लोगों को। मैं डिफेंड कर रहा हूं पूरी तरह से, मैं मुद्दे पर बात करूंगा, मैं आपकी तरह लफाजी नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। मुद्दे पे क्या मुद्दा, आज कांग्रेस के प्रवक्ता केस ठोक रहे हैं टेररिज्म का है। सर आपने तो देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी को ही खारिज कर दिया, पूछा जा रहा है कि भगवा आतंकवाद का शब्द, आपने तो सबसे बड़ी जांच एजेंसी को खारिज कर दिया ना आरोप जी। नहीं, ये का सवाल है, एटीएस ने कोई जांच किया, एटीएस ने कोई जांच क्यों कर दिया, एटीएस की जांच भी पाकिस्तान को। सर मेरा वापस सवाल वही है जहां से मैंने शुरू किया था, जांच एजेंसी आपके राज में हजारों मुसलमानों को पकड़ के अंदर बंद कर दे, वो सही, वो बाद में बेगुनाह साबित हो जाए तो आपसे बोला नहीं जाता। आज एक आदमी को, एक साध्वी प्रज्ञा को उन्होंने कह दिया इसके खिलाफ चार्ज नहीं बनते, तो आप कह रहे हैं कि ये नरेंद्र मोदी की जांच एजेंसी है। सर थोड़ा तो पब्लिक डिस्कोर्स में इस बात को रखिए ध्यान से, कि वापस दोबारा जब लोगों के बीच जाएं तो आंख उठा के बात कर सके।